Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना वायरस खामोशी से फैलने लगा, माहिरीन ने सूरत हाल संगीन होने का इशारा दे दिया। कैनेडियन हुकूमत और ओपोजिशन ने कोरोना वायरस के सबब मुश्किलात का शिकार होने वाले शहरियों की मदद के लिए 107 बिलियन डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 100 नए केसेस सामने आए हैं। क्वेबेक की रिसर्च टीम ने कोरोना वायरस के मरीजों को जमा करना शुरू कर दिया, वायरस के इलाज की दवा बनाने के लिए पुरउम्मीद। ईरान इंसानी इमदाद आने की इजाजत दे, एलिस वेल्स कहती हैं कि अमरीकी पाबंदियां इंसानी इमदाद पर असरअंदाज नहीं होती। WHO का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं रहा, ट्रंप कहते हैं सेहत का आलमी इदारा चीन की तरफदारी करता रहता है। मौलिक तरीन वायरस कोरोना की वबा के बायस दुनिया भर में 22,000 से जायद अफराद हलाक हो गए, जबकि मूजी वबा में मुबतला अफराद की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। कोरोना से मुकाबला, अमरीकी सैनेट की $2 खरब के पैकेज की मंजूरी, पैकेज की मंजूरी के बाद अमरीकी मंडियों में तेजी नजर आई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत वायरस के सबब अवामी मफादात के प्रोग्राम में तोसी करने जा रही है। डेली ब्रीफिंग से खिताब करते हुए ट्रूडो का कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते 10 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की दरख्वास्तें मौसूल हुई। उनका कहना था कि आलमी वबा के सबब कैनेडियन इस्तराब का शिकार हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि माली मुश्किलात में गिरे शहरियों को हफ्तों में अदायगी की जा सकेगी। नए प्रोग्राम के तहत दरखास्तों का अमल अप्रैल से शुरू होगा, प्रोग्राम 4 माह तक जारी रहेगा। उनका कहना था कि नए प्रोग्राम के दौरान इमरजेंसी सपोर्ट बेनिफिट मुअत्तल कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत दरखास्त गुजार को माहाना $2,000 की अदायगी की जा सकेगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अमेरिका की जानिब से कैनेडियन बॉर्डर पर फौजियों की तैनाती के मामले पर बातचीत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर सिक्योरिटी खदशात बढ़ने के सबब अमेरिकी हुकाम बॉर्डर पर फौज की तैनाती के बारे में सोच रहे हैं। ट्रूडो का कहना है कि दोनों ममालिक के बॉर्डर पर कोई फौज नहीं है, जो कि दोनों ममालिक के मफाद में है। We will continue to work with the United States to ensure that the border measures we put in place are respected. We have closed the border temporarily to all but non-essential essential travelers, and we will continue to work with the American administration to ensure that we're doing everything we can to keep our country safe and to keep Canadians safe in our case. We will continue to adjust as things unfold as necessary, but we will be continuing to follow the best advice of the scientific community on doing what is necessary to keep Canadians safe as a priority. Daily press briefing ke duran Canadian Vazir Azam ne coronavirus se mushkilat ka shikar shahriyon ke liye banko aur credit card companies se शरह सूद में कमी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस हवाले से बिल मोर न्यू बैंकों के साथ राबते में हैं। We can, I can assure you that the finance minister has had conversations directly with the banks about credit card interest rates. We recognize that they are a significant challenge for many Canadians at this point. That is why we are encouraging them to take action to alleviate the burden for Canadians. At the same time as we are looking on our end at making credit more available and less expensive for Canadians to be able to make it through the next few months. कुछ बात करेंगे पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक 53% केसेस कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुए, जबकि 44% बाहर ममालिक से आए लोगों और इनसे राबता करने वालों में सामने आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में निफ से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस मुकामी सतह पर फैले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि ये मुल्क भर में इस वबा के खामोशी से फैलने का इशारा है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा की जानिब से फराहम करदा डाटा के मुताबिक 53% केसेस कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुए, जबकि 44% बाहर ममालिक से आए लोगों और उनसे राबता करने वालों में सामने आए। कनाडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थ्रेसा टॉम की जानिब से कहा गया है कि मुकामी सतह पर इस वबा का फैलना तशवीशनाक है। माहिरीन
सिंह का कहना है कि इस वायरस के फैलाव पर काबू पाना चैलेंजिंग है, जबकि हर किसी में इसकी अलामत जाहिर नहीं होती। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 36 हो गई है, जबकि 3400 से ज्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के सबब कैनेडियन हुकूमत के इमदादी पैकेज के तहत मुलाजमीन को हर माह $2,000 तक फराहम किए जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत और अपोजिशन ने कोरोना वायरस के सबब मुश्किलात का शिकार होने वाले शहरियों की मदद के लिए $107 बिलियन का इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया है। सेनेट में इस बिल को बगैर किसी तरमीम के मंजूर किया गया। गवर्नर जनरल जोली पाटे ने बिल को शाही मंजूरी दी। सेनेट को वजीर खजाना ने मुल्की मईशत की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। मॉर्नियो ने सैनेटर्स को बताया कि पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि वो ऐसे वक्त में कैनेडियन को रकम की फरहमी के मनसूबे को फौरी तौर पर मंजूर करे, जब हजारों मजदूरों को बेरोजगारी का सामना है। नई कानून साजी से मुलाजमीन और कारोबारी इदारों को एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और दीगर प्रोग्राम्स की मद में माली इमदाद दी जा सकेगी। ये प्रोग्राम 4 माह तक जारी रहेगा। इस नए कानून के तहत मुलाजमीन को हर माह $2,000 तक फराहम किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर यह बिल $82 बिलियन का था, जो अब $107 बिलियन का हो गया है। ऑन्टेरियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टेरियो में एक ही दिन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद सूबे भर में केसेस की तादाद 690 तक जा पहुंची है, जबकि 8 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 100 नए केसेस सामने आए हैं। एक ही दिन में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद सूबे भर में केसेस की तादाद 690 तक जा पहुंची है, जबकि 8 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सूबाई चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की जानिब से बताया गया है कि 17 मरीजों को ICU में रखा गया है, जबकि 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सूबे भर में कोरोना मरीजों की नफ्स तादाद का ताल्लुक टोरंटो से है। मुकामी महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि शहर में 300 केसेस में से 16% मुकामी सतह पर फैले। टोरंटो में कोरोना वायरस के मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए, जिसके बाद शहर में मरने वालों की तादाद 4 हो गई है। शहरी हुकूमत की जानिब से पार्क, खेल के मैदान समेत अहम अवामी मकामात को बंद कर दिया गया है, ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। कोयबक की एक मेडिकल रिसर्च टीम 40 साल से ज्यादा उम्र वाले उन कोयबकर्स को भर्ती करने जा रही है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, ताकि पहले से मंजूर शुदा एक ताकतवर दवाई का कोरोना वायरस के इलाज के लिए तजुर्बा किया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयबक की एक मेडिकल रिसर्च टीम 40 साल से ज्यादा उम्र वाले उन कोयबकर्स को भर्ती करने जा रही है जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, ताकि पहले से मंजूर शुदा एक ताकतवर दवाई का कोरोना वायरस के इलाज के लिए तजुर्बा किया जा सके। मॉन्ट्रियल के अमराज कल्ब का एक इदारा दिन रात एक तहकीक में मसरूफ है, जिसे कॉलकोरोना का नाम दिया गया है, ताकि ये जाना जा सके कि कॉलकसिन नामी दवाई कोरोना के इलाज के लिए कारगर साबित होगी या नहीं। मस्कूरा दवाई बुखार समेत मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये एक पुरानी दवा है, ये सस्ती और वसी पैमाने पर दस्तियाब है। हमें लगता है कि इससे कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन ने कैनेडियन शहरियों को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के सबब पैदा होने वाली तश्वीशनाक सूरत हाल में जालसाजों से होशियार रहें। माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि खुफिया कैमरे से की गई तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि विनीपैग का एको पेंचरिस्ट हर्बल चाय फरोख कर रहा है। इसका दावा है कि ये कोरोना वायरस पर मौसर साबित हो रही है। ताहम माहिरीन की जानिब से शहरियों को इससे होशियार रहने की तलकीन की गई है। अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए वस्ती और जनूबी एशिया एल्स वेल्स ने कोरोना वायरस से खराब होती सूरत हाल में ईरान से कहा है कि वो इंसानी इमदाद अपने मुल्क में आने की इजाजत दे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए वस्ती और जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने कोरोना वायरस से खराब होती सूरत हाल में ईरान से कहा है कि वो इंसानी इमदाद अपने मुल्क में आने की इजाजत दे। एलिस वेल्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ईरान इंसानी इमदाद आने की इजाजत दे। अमरीकी पाबंदियाँ इंसानी इमदाद पर असरअंदाज नहीं होती। नायब वजीर खारजा का कहना था कि खामनेई मुतअद्दिद बार अमरीकी तिब्बी इमदाद की पेशकश को मुस्तरद कर चुके हैं। अमरीका की जानिब से नकद इमदाद ईरान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी के खिलाफ फंड में मदद करेगी। नकद इमदाद ईरान में लोगों की जरूरियात के लिए नहीं। ख्याल रहे कि 14 मार्च को ईरानी सदर हसन रूहानी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियां हटाने के लिए किरदार अदा करे। हसन रूहानी ने खत में पाकिस्तान से कोरोना के तनाजुर में इमदाद की भी अपील की थी। सिफारती जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान से पाबंदियां खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका से कोरोना वायरस की वजह से ईरान में खराब सूरत हाल पर पाबंदियों के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया है। कुछ बात करते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर सब ठीक करने का दावा करते हुए कहा कि अब मैं सदर बन चुका हूं, तमाम चीजें ठीक कर दूंगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकवा किया है कि WHO का हमारे साथ रवैया मुनसिफाना नहीं रहा। सेहत का आलमी इदारा चीन की तरफ दारी करता रहता है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर सब ठीक कर देने का दावा करते हुए कहा कि अब मैं सदर बन चुका हूँ, तमाम चीजें ठीक कर दूंगा। उनका कहना था कि बहुत से मीडिया वाले मेरे बारे में झूठी खबरें चलाते हैं, सरहदों पर सख्त इकदाम कर रहे हैं, नहीं चाहता कि लोग अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हों। दरअसल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क को आफत ज्यादा शहर करार दे दिया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं न्यूयॉर्क की मदद करने के लिए तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कांग्रेस में $2 खरब का इमदादी पैकेज मंजूर करने पर इत्तेफाक हो गया है। ट्रंप का कहना था कि नौकरियां खत्म होने वालों को 100% तनख्वाहें देंगे। कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए $40 के फंड मंजूर किए हैं। अमरीका दुनिया का बेहतरीन तिब्बी साजो सामान बनाता है। यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक भी अमरीका से फायदा उठाते रहे हैं। हमने कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा टेस्ट किए, लाजमी नहीं कि पूरी कौम का कोरोना टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि जापान ने ओलंपिक्स मुलतवी करके अच्छा फैसला किया। जब भी ओलंपिक्स होंगे जापान जरूर जाऊंगा। ख्याल रहे कि अमरीका में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 69,000 से तजावुज कर गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1100 के करीब पहुँच चुकी है। दुनिया भर में खौफ व हिरास फैलाने वाले मोहलिक तरीन वायरस कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 5,00,000 से तजावुज कर गई। चीन में वायरस से हलाकतों की तादाद में कमी आई, जबकि 67 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मौलिक तरीन वायरस कोरोना की वबा के बायस दुनिया भर में 22,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, जबकि मूजी वबा में मुब्तला अफराद की तादाद 5,00,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में खौफ हरास फैलाने वाले मौलिक तरीन कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5,00,000 से तजावुज कर गई। चीन में वायरस से हलाकतों की तादाद में कमी आई, जबकि 67 नए केसेज रिपोर्ट हुए। 198 ममालिक को मुतासर करने वाले कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजमू तौर पर दुनिया भर में 1,17,000 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस ने अतालवी और अमरीकी शहरियों को सबसे ज्यादा शिकार बनाया है। अमरीका में कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 1100 के करीब पहुंच गई है, जबकि वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 69,000 से ज्यादा है। जराए के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद सबसे ज्यादा हलाकतें इटली में हुई, जहाँ अब तक 7,500 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि मरीजों की तादाद 74,000 से तजावुज कर गई है। जराए का कहना है कि जनूबी कोरिया में हलाकतें 131, स्वीडन में 62 और ब्राजील में मोहलिक वायरस के 22 अब तक 59 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस का मजीद फैलाव रोकने के लिए बेशतर ममालिक ने मुल्क में लॉकडाउन कर दिया है, ताकि शहरियों को घरों तक महदूद रखा जा सके। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बाद दुनिया की 1/4 आबादी लॉकडाउन में चली गई है। कोरोना वायरस का तेजी से मरकज बनते जाने वाले अमेरिका में इस वायरस से मुकाबले के लिए अमेरिकी सेनेट ने $2 खरब के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस का तेजी से मरकज बनते जाने वाले अमेरिका में इस वायरस से मुकाबले के लिए अमेरिकी सेनेट ने $2 खरब के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है। ये पैकेज कोरोना वायरस से अमेरिकी मईशत को पहुंचने वाले धचके को संभालने के लिए है। पैकेज की मंजूरी के बाद अमेरिकी मंडियों में तेजी नजर आई। सेनेट में मंजूर होने के बाद अब ये बिल मंजूरी के लिए अवामी नुमाइंदेगान भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे कि आलमी इदारा सेहत ने अमरीका में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केसेस को देखते हुए खबरदार किया है कि यूरोप के बाद अमरीका इस वायरस का मरकज बन सकता है। गैर मुल्की इदारे के मुताबिक आलमी वबा दिसंबर में चीन में शुरू हुई और इसका मरकज बाद में एशिया से यूरोप मुंतकिल हो गया। आलमी इदारा सेहत की तर्जुमान का कहना है कि 85% नए केसेस यूरोप और अमरीका से रिपोर्ट हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 घंटे के दौरान यूरोप से 20,131 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमरीका से इसी दौरानिए में 16,354 केसेस सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अमरीका में तेजी से वायरस फैल रहा है, अमरीका वायरस का मरकज बन सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी ऐसा मुमकिन है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।